गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जिला संयोजक लीलाधर गुर्जर के नेतृत्व में आरक्षण मुद्दे पर बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला संयोजक ने कहा कि सरकार समाज में फूट डालना चाहती है। 8 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार ने अगर समाज की बातें नहीं मानी तो कर्नल किरोड़ी बैसला के नेतृत्व में 9 तारीख से उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। अलवर के घोड़ाफेर सर्किल पर स्थित गुर्जर छात्रावास में की गई मीटिंग में संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजीत गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ पीलूपुरा में वे मिलकर आए थे। देखिए, आगे की रणनीति का जो प्लान है वो ये है कि अभी पीलूपुरा ट्रैक पूरी तरह जाम है। जिस तरह से राज्य सरकार हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रही है और हमारे साथ जिस तरह से छलावा कर रही है, गुर्जर समाज कर्नल साहब की आवाज़ के साथ है। जिस तरह से राजनीति के माध्यम से हमारे साथ जो छलावा किया गया, अभी हम यहाँ मीटिंग में अलवर जिले के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये तय किया गया है कि 8 तारीख तक हम जन जागरण करेंगे पूरे जिले में, और अगर 8 तारीख तक हमारी मांग को नहीं माना गया तो सरकार को चेताया जाएगा। अगर फिर भी नहीं माना गया तो 9 तारीख को हम जो कर्नल साहब के आदेश हैं, जो कर्नल साहब ने जिस तरह से पटरी को रोक रखा है, हम भी यहाँ चक्का जाम करेंगे। ये 9 तारीख तक हम केवल इंतजार करेंगे, सरकार हमारी बात को हल्के में ले ले। हमें मजबूर कर रही है सरकार ये सब करने के लिए, जब हम चाह रहे हैं कि हमारी ये मांगे वो मान ले। जब हम पूरे राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे और आम जन को परेशानी होगी, आम जन हताश होगा, कोरोना का काल चल रहा है, राज्य सरकार का भी तो एक मौलिक अधिकार बनता है ना, वो हमको मजबूर कर रही है। इसलिए हमारे धैर्य के इम्तिहान नहीं ले, अलवर जिला भी इससे पीछे नहीं रहेगा। 8 तारीख तक उनको समय दिया जाता है, 9 तारीख को अलवर में भी वही हाल होगा जो आपको पीलूपुरा में देखने को मिल रहा है। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन आगे भी चलेगा। सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो जिला सहित प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जा सकता है। इस दौरान राजेंद्र कसाना, माता दिन भाटी, रामफल गुर्जर, भूप सिंह पोसवाल सहित काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। आरक्षण संघर्ष समिति का लीलाधर गुर्जर, आज हमने 2 दिन से लगातार संपर्क में थे कर्नल साहब के। इससे पहले जो कर्नल साहब की 15 साल मीटिंग, उसमें मैं भी गया था, समाज के और भी लोग गए थे। अजीत जी को हमने अपने जिले से यहाँ से वहाँ भेज रखा था, ये आंदोलन में वहीं थे, ये पूरी जानकारी लेके उनसे बातचीत करके आए। हमने सारों ने बैठ के यहाँ डिसीजन लिया, सबके बीच में लिया। आप देख रहे हो सरकार अपने अपने नुमाइंदों की बात करती है, हमारे समाज के कुछ लोग बागों को इस तरीके का गाइडलाइंस दे के सरकार फूट डालना चाहती है। हमारे गुर्जर समाज के अंदर किसी तरीके का फूट नहीं है, सारे भाई हमारे हैं, कर्नल साहब के नेतृत्व में सभी एक। अलवर जिले में कम से कम आज तक किसी तरीके की कोई कर्नल साहब से दूर नहीं रहे। कर्नल साहब हमारे नेता हैं, पूरा जिला उनको नेता मानता है। आज तक उन्होंने इस आरक्षण आंदोलन में बढ़ चढ़ के काम किया है और आज के बाद भी जो आदेश वो देते रहेंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन को लेकर? आगे की रणनीति हमारी ये है, इस जिले के अंदर हम 9 तारीख को 8 तारीख तक हम छूट चाहते हैं, पूरे जिले में जागरण करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। हमारी सब तहसीलों पे कमेटियां बनी हुई हैं, पहले से गुजरात संघर्ष समिति की, उन सब से हम संपर्क में हैं।